हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शेफ अरुण। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 25 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे और आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। तो आज मैं अपने हाथों से केक बना रहा हूँ अपने बर्थडे के लिए, क्योंकि मेरे शेफ का छुट्टी था, बेकरी शेफ का, तो अपने हाथों से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए आपको प्रीमिक्स चाहिए। प्रीमिक्स आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, वनीला चॉकलेट आपको प्रीमिक्स मिल जाएगा। प्रीमिक्स में क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है उसमें और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको प्रॉपर मिक्स करना है विस्कर से। और आप ट्रे में डाल के बटर पेपर नीचे डालना है, उसके बाद ट्रे में अच्छे से पूरे ट्रे में फैला देना है। फैलाने के बाद में आप ओवन में डालना। ओवन का जो टेम्परेचर होता है आप 150 से 170 तक रख सकते हैं। इसमें आप 45 मिनट में आपका ये बेस हो जाएगा रेडी। उसके बाद में आपको रख देना है 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे के बाद क्या होगा, जो आपका बेस होगा वो हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा ठंडा। उसके बाद में आप कैसे शेप देना है, गोल शेप देना है या फिर दिल में बनाना है, कैसा शेप देना हो तो आपके हाथ में है। आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कौन सा फ्लेवर का बनाना चाहते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और उसके बनाने के लिए क्या लेना है, आपको थोड़ा सा व्हिप क्रीम लेना। व्हिप क्रीम लेना है जो कि रिच का आता है, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। व्हिप क्रीम अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप अमूल क्रीम से भी बना सकते हैं क्रीम। अगर व्हिप क्रीम है तो उसको मशीन में डाल के व्हिप कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं, अमूल क्रीम से आप बना रहे हैं, तो क्या करना है, अमूल क्रीम को पहले थोड़ा सा ठंडा करना है, जो कि ठंडा होना चाहिए। और उसमें आपको ऐड करना है शुगर, थोड़ा सा शुगर ऐड करना है। शुगर ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, विस्कर से अच्छे से विस्क करना है बहुत अच्छे से। और आपको एक ही साइड में घुमाना है, आपको घुमाना पड़ेगा कम से कम 15 से 20 मिनट। आप 15 से 20 मिनट एक ही सर्कल में घुमाएंगे तो क्या होगा, आपका क्रीम रेडी हो जाएगा। जैसे आप व्हिप क्रीम होता है सेम ऐसे क्रीम हो जाएगा आपका। व्हिप क्रीम की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास नहीं तो आप अमूल क्रीम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था व्हिप क्रीम, तो हमने व्हिप क्रीम से बना है और देखिए केक कितना अच्छा बन रहा है। और उसमें आप अपने हिसाब से फ्रूट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट है, एप्पल, आप एप्पल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट नहीं है तो आप उसमें कोकटल फ्रूट ऐड कर सकते हैं। कोकटल फ्रूट, आप ड्राई फ्रूट, आप क्या चाहते हैं, आपको जो फ्लेवर, जो ज़्यादा टेस्ट आपको फ्लेवर है, जो ज़्यादा आपको पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। तो देखिए अभी केक हो गया है रेडी, अभी ये हो गया है रेडी, हाफ रेडी हो गया है और अभी इसका हाफ बचा हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये 2 फ्लेवर का है, वनीला और चॉकलेट दोनों मिक्स है। अभी क्या करना है, इसका करना है पाइपिंग, क्योंकि फुल गार्निश करना है। तो अभी ये तो सुना सुना लग रहा है, अभी इसको करना है अच्छे से, उसका सेट करना है, पूरा पाइपिंग करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, एक लेना है नोजिल आता है, अगर आपके पास नोजिल नहीं है तो आप खो लेना है पॉलीथीन, और पॉलीथीन में उसको अच्छे से डालना है। विट करने के बाद, जो कलर मिक्स करने के बाद, पॉलीथीन में रख के सेट करना है। और जो उसके आगे का थोड़ा सा होता हिस्सा, उसको काटना है। काटने के बाद में देखिए आराम से, आसानी से काटना, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। अगर आप ज़्यादा मोटा काटेंगे तो क्या होगा, जो आपकी पाइपिंग होगी वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि पाइपिंग अच्छा होना चाहिए, डेकोरेट अच्छा होना चाहिए, देखने के लिए भी ब्यूटीफुल होना चाहिए, केक के साथ साथ डेकोरेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड वीडियो में आप व्यस्त हो जाए तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए अभी आपको ऐसे करना है, आप फूड कलर, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है, आपको पता है बेकरी कलर आता है, बेकरी कलर आपके पास नहीं है तो आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं पाइपिंग के लिए। देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए अभी एक कलर हो गया है, अभी साथ में क्या करेंगे, उसमें दूसरा कलर भी ऐड करेंगे। तो एक कलर हो गया है रेडी, अभी दूसरा कलर भी सेम, दूसरा भी सेम स्टेप करना है। तो देखिए अभी हो गया है, और अब नीचे भी करना है सेम पाइपिंग, जो कि देखने के लिए भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए।
आपने केक तो बहुत बनाया होगा, खाया होगा। आप एक बार इस तरह से बनाएंगे, देखिएगा वाह क्या टेस्टी है। आप ओवन में, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं आसानी से, बिना झंझट के, बहुत ही आसान है। आपके घर में जिस बर्थडे होता है आप बाहर से खरीद के लाते हैं, 200 का 400 का मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, तो आप आसानी से अपने घर में बनाएं, बाहर से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड देखिए अभी केक हो गया है रेडी, और देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल कलर हो रहा है। ये देखिए कलर हो गया है रेडी, देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो अभी इसको काटेंगे। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और अपना ब्लेस्ड दीजिए, और हमें चाहिए आपका आशीर्वाद। आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।